शूटरों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने 44 वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। वहीं पुलिस टीम को कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से एक बाइक और 25 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मामले की जानकारी देते हुए DCP वंदिता राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पिछले एक साल से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो दो शातिर शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए तस्वीरें, ये दोनों शातिर शूटर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और ये जयपुर में लगातार जिस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे थे, एक बाइक और 25 मोबाइल फोन भी इनसे बरामद किए गए। लुटेरों ने कई वारदातों को कबूल कर लिया है जिन्हें ये लगातार अंजाम दे रहे थे। दो शातिर शूटर, देखिए लुटेरे किस तरह से गिरफ्तार हुए हैं और ये लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। हमारी टीम ने दो व्यक्तियों को पकड़ा जो मोबाइल की जो छीनने की जो वारदात होती है, मोबाइल लूट की और पर्स छीनने की जो वारदात होती है उसमें बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहे हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो करीब 44 वारदातें ऐसी जिसमें इन्होंने मोबाइल छीनने या पर्स छीनने की वारदातों को अंजाम दिया है। 22 इनसे मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं, एक लूट की मोटरसाइकिल रिकवर की जा चुकी है और बाकी इनसे और गहन अनुसंधान किया जा रहा है और ज्यादा रिकवरी से प्रयास किए जा रहे हैं। ये लोग जो है हमें पता है कि करीब एक साल से एक्टिव हैं और पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जेल भी गए हुए हैं। इसमें से एक लड़के के ज्यादा मुकदमे हैं, एक लड़का पहली बार पकड़ा गया। तो ये काफी दूरी से वारदात कर रहे हैं, अलग अलग एरिया में जाके वारदात कर रहे हैं और गहनता से पूछताछ करने पर और ज्यादा पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ वारदात